स्पीड शुरू कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। रायपुर से एक खबर है और ये जानकारी आप तक पहुंचाएं। माना एयरपोर्ट चौक पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। रायपुर से खबर जहां हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि इसमें हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो यह हादसा हुआ है, इस हादसे में दरअसल तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा गई और उसके बाद वो कार पलट गई और पुलिस कार में फंसे युवकों को निकालने में जुटी हुई है और राहत का काम किया जा रहा है। दरअसल जैसे ही यह हादसा होता है उसके बाद लोग कार के अंदर फंस जाते हैं, पुलिस मौके पर मौजूद होती है और तुरंत ही सभी फंसे हुए लोगों को कार से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। इस दौरान हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और ऐसे में पुलिस की तरफ से लगातार, क्योंकि ये तेज रफ्तार कार आती है बिजली के खंभे से टकराती और पलट जाती है, पुलिस कार में फंसे युवकों को निकालने में फिलहाल जुटी हुई है। तो रायपुर से ये खबर जहां माना एयरपोर्ट चौक पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई है। अमित चौरसिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या अभी तक स्टेटस है, अभी तक क्या जानकारी है, कार में जो फंसे हुए लोग हैं क्या उनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया? जी, जैसा कि देर रात यह हादसा हुआ है, चूंकि युवाओं में एक नया फैशन चल पड़ा है कि वो सुनसान सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ाते हैं और यहाँ का जो नया रायपुर है वहां पर काफी खाली सड़कें हैं। एयरपोर्ट की जो वीआईपी सड़क है वो खाली होती है देर रात और वहां पर लोग स्टंट भी करते हैं, तो इस तरह की चीजें भी नजर आ रही है। और ये जो हादसा हुआ है, अंधेरे में वहां पर जानवर बैठे हुए थे जो कि भैंस वगैरह जो अंधेरे में नहीं दिखाई दिए और तेज रफ्तार कार ने से टकरा गए। यहां पर वो जानवर भी गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं, साथ ही ये पूरी तरीके से कार कई बलकाते हुए गिरी पलटी है पूरी तरीके से। और यहां पर हर्ष अग्रवाल और गौरव, इनकी डेथ मौके पर ही हो गई है, साथ ही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये तीनों दोस्त बोलते हैं देर रात की पार्टी करने वहां पर वीआईपी रोड पर गए हुए थे। जी सुबेंदु, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस पर जानकारी के लिए।